कई बार कुछ लोगों के फोन आते हैं कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके प्लेटलेट लो हो गए हैं। अब प्लेटलेट लो होने के लिए कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी कोई वायरल फीवर होता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर नजदीक है तो हमारे थेरेपिस्ट चले जाते हैं, वहां जाकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी देते हैं न्यूरोथेरेपी, और उनके जो फैमिली मेंबर को सिखा भी देते हैं। और अगर दूर है तो हम वीडियो बना के भेज देते हैं कि आप इस प्रकार से पेशेंट को कीजिए, और ट्रीटमेंट देने के बाद कुछ ही घंटों में प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत ही कठिन परिस्थिति है उसमें भी आसानी से न्यूरोथेरेपी में रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंटेशन है उसमें चार अलग अलग पेशेंट्स के रिपोर्ट्स हैं कि किस प्रकार से वो हॉस्पिटल में थे, उनके प्लेटलेट लो थे और ट्रीटमेंट देते ही 1 या 2 दिन में किस प्रकार से बढ़ गए। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से न्यूरोथेरेपी में प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं और बिना किसी दवाई के। लो प्लेटलेट यानी बहुत टाइम से है, अभी की बात नहीं है। कम से कम 8-10 साल हो गए कि कहीं भी किसी को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, किसी के प्लेटलेट लो है, फ़ोन आता है हमको। जब फ़ोन आता है तो अगर थेरेपिस्ट है आसपास में, हम कहते हैं कि अरे वो है, हाँ है, अच्छा ये ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके दे दो। तो वो लोग हैरान होते हैं, हॉस्पिटल में जाके दे दो देख लो। और ट्रीटमेंट देते हैं और आप यकीन करो नहीं, कभी मैं अभी 2-4 चीज़ें दिखाऊंगी कि रिजल्ट आते हैं, और वो भी सिर्फ 10 घंटे में, 8 घंटे में, 4 घंटे में भी रिजल्ट आते हैं। मतलब किसी का प्लेटलेट था हॉस्पिटल में, BRC हॉस्पिटल है अपना चेंबूर में, वहाँ पर एक साइंटिस्ट है, वो लड़की मेरी स्टूडेंट भी है लेडी, तो उनका फ़ोन आया कि दीदी मेरे एक रिलेटिव हैं और उन्होंने सुने हुए होते हैं ना मेरे केस या स्टोरियाँ, तो उन्होंने कहा कि दीदी एक पेशेंट है, मेरे रिलेटिव हैं और BRC हॉस्पिटल में ही हैं, उनके प्लेटलेट हो गए 30,000। अगर 20,000 कल तक हो गए, वो बोले प्लेटलेट चढ़ाएंगे और बहुत मुश्किल है, वो लोग घबरा गए हैं। मैंने कहा अच्छा आपको ADR आता है? बोले हाँ आता है। मैंने कहा जाके दे दो। तो बोली ठीक है, मैं लेकिन उनके साथ कौन है, जेंट्स हैं कि लेडीज? बोले पेशेंट जेंट्स है, वाइफ साथ में है। तो मैंने कहा आप उनकी वाइफ को सिखा देना। अभी ADR को देने में कितना टाइम लगता है आप बताओ ना, कितना टाइम लगता है? 6 ADR देना है तो 40-30 सेकेंड लगते हैं उसको देने में, और वो देना कैसे है तो हर एक एक घंटे में देना है। अब वो टाइम था शाम का, वो शाम को 4 बजे 5 बजे वो हॉस्पिटल का टाइम था, वहाँ जाने देते हैं, गई और उसने उनकी वाइफ को सिखाया और कहा कि ये आप दो। उन्होंने मतलब शाम को 2-3 बार दिया होगा, और दूसरे दिन सुबह उन्होंने चेक किया, उनका था कि ये 25,000 से कम हो गए होंगे क्योंकि 30,000 थे, और उनके जो प्लेटलेट थे वो 60,000 थे सुबह। और उसके बाद वो ट्रीटमेंट फिर उन्होंने चली, और शाम तक जो टेस्ट किए तो 79,000 थे, और सेकेंड डे 1,50,000 थे। और इसके बाद उनको डिस्चार्ज हो गया, और 2 दिन बाद जब चेक किया, 2-3 दिन बाद, तो 2 लाख के ऊपर थे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं, कभी दिल्ली से फ़ोन आता है, कभी कलकत्ता से आता है, कभी कहीं से, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए हैं। और ये हमारा एक यूनिक फॉर्मूला बन गया है कि कई बार ऐसे तो अपने पास ITP भी ठीक हुआ है, अप्लास्टिक एनीमिया भी ठीक हुआ है। तो ITP ये जीनेटिक डिफेक्ट है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, कोई भी वायरस अगर चला गया है बॉडी के अंदर, स्पेशली डेंगू मलेरिया में देखा गया है कि वो आपके बोन मैरो को सप्रेस करता है, और स्पेशली जहाँ थ्रम्बोसाइटो है, थ्रम्बोसाइट वो उस एरिया को वो क्या बोलते सप्रेस करता है।
कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन अगर बोन मैरो में है तो स्वेल आती है, सूजन आने के कारण वहाँ जो प्लेटलेट बन रहे थे वो ठीक से बनते नहीं हैं और इसके कारण धीरे धीरे वो कम कम होते जाते हैं। और दूसरी चीज़ है, ये कई बार जो अच्छे प्लेटलेट उनसे ये वायरल चिपक जाते हैं और चिपकने के कारण फिर ये अपने ही दूसरे अच्छे प्लेटलेट को मारना शुरू करते हैं। तो ये दो कारण मैंने पढ़े बुक्स में और आपके जैसे गूगल गुरु हैं उनके पास तो वहाँ पढ़ा था, तो मैंने कहा कि ये तो ऑटोइम्यून जैसा थोड़ा होता है और इन्फ्लेमेशन है, तो दोनों चीज़ों के ठीक करने के लिए हम तो एक ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो जब पहली बार मुझे दिल्ली से एक फ़ोन आया, वो 15 साल हो गए होंगे, तो उन्होंने कहा, अपने थेरेपिस्ट थे, उन्होंने कहा मेरी वाइफ है ना उसके प्लेटलेट बहुत डाउन हो गए। मैंने क्या हुआ, मलेरिया हुआ था। तो मैंने कहा भैया आप ये 6 ADR दे दो। बोले दीदी ठीक हो जाएगा। भैया दो ना, अपन कल देखते हैं, कल परसों में रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने दिए, शायद उसके 50,000 थे और 1-1.5 दिन के बाद वो 1.5 लाख पे चले गए। तो ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने बताया। अब ये जो पेशेंट है, और इसमें हम ट्रीटमेंट देते ही नहीं हैं, जाके पेशेंट के रिलेटिव देते हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है, किसी के प्लेटलेट डाउन होके वो अगर उसका ब्लड ये हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार डेथ होती है। मैं एक और एक मेरे पास ऐसा केस था, किसी हमारे ही क्लिनिक में, कोई बाहर कोई क्लिनिक है, वहाँ एक लड़के को फीवर आया था। फीवर आने के बाद वो डॉक्टर के पास नॉर्मली गया, थेरेपिस्ट था, और वो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, वो ठीक हो गया। वो आके क्लिनिक पे फिर ट्रीटमेंट देने लगा, थोड़ी सी वीकनेस थी तो उसको लगा वीकनेस है तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 दिन बाद उसको ब्लड वॉमिट हुई और उठा के जब हॉस्पिटलाइज ले गए, रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद से मुझे ये लगा नहीं कि किसी की डेथ ना हो, एटलीस्ट हमारे आसपास अगर कोई है तो हम उनको बताएं, उनको समझाएं कि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो उसके बाद से कहीं भी कोई भी खबर मिलती है तो हम उसको गाइड करते हैं कि ये करिए और इससे ठीक हो सकता है। तो इसमें जो ये जो पेशेंट था, ये हमारा लास्ट सितंबर में एक कैंप था बॉम्बे में, और कैंप के बाद 2 दिन का कैंप, सब थक गए थे, बहुत पेशेंट थे और हम घर चले गए। मैं घर पहुंची और यहाँ पर मेरे ख्याल से सौरभ है, तो सौरभ हमारे थेरेपिस्ट है, उसका फ़ोन आया मुझे कि दीदी मेरे चाचा हैं शायद, उनका प्लेटलेट नहीं, जीजा उसके जीजा हैं, उनका प्लेटलेट बहुत लो हो रहा है। मैंने कहा कितना हो गया, मतलब जब वो एडमिट हुए, उनको डेंगू डिटेक्ट हुआ, एडमिट हुए तो 1,51,000 था, लेकिन जैसे मतलब एक दिन दो दिन में वो 31,000 पे आ गए हैं। पहले 78 था, फिर 31 हुआ, वो सब पैरामीटर हैं यहाँ। और उसके बाद वो बोले कि ये लो ही जा रहा, तो घबरा गए, तो उन्होंने इनको फ़ोन किया कि न्यूरोथेरेपी में कुछ हो सकता है क्या। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा हो सकता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको आता है ना ADR, अब वीडियो बना के भेजो उनको। और वो रत्नागिरी में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं। तो इन्होंने वीडियो बनाया और अपनी बहन को इंस्ट्रक्शन दिए कि प्लीज़ आप ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट दो। उसने ट्रीटमेंट दी और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये 29 सितंबर, 30 सितंबर, और ये तो वो जो शुरू हुआ था 28 सितंबर को शुरू हुआ, सुबह में ट्रीटमेंट नहीं दी थी तो शायद तो ये 25,000 तक चला गया था। 25,000 के बाद ये सुबह में 25,000 थे और ट्रीटमेंट देने के बाद ये शाम को 29,000 हुए। और उसके बाद फिर ये दूसरा दिन हुआ कि 73,000 सुबह थे 29th को, और 38th को 1,07,000 थे। और उसके बाद 5 अक्टूबर 1,07,000 होने के बाद उनको डिस्चार्ज दे दिया, घर चले गए। 5-6 दिन के बाद 5 तारीख को फिर से चेक किया और 2,07,000। और इस प्रकार से ये जो केस था, ये हमने भी नहीं हाथ लगाया पेशेंट को देखा भी नहीं था, उनके रिलेटिव ने उनको वीडियो भेजा और रिलेटिव ने उनको ठीक किया। और ऐसे ही और कई केस हैं
जो आप अगर देखोगे, मैंने 3-4 केस लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो उसके रिजल्ट्स वगैरह, कि जैसे कम हुआ फिर ट्रीटमेंट दिया और धीरे धीरे बढ़ गए। तो ऐसे कुछ पेशेंट थे जिनके रिजल्ट हैं, 3-4 पेशेंट हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इस बात को याद रखो, किसी मरते हुए की जान बचा सकते हैं हम। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अगर प्लेटलेट किसी के भी कम होते हैं तो आग को अगर याद नहीं है तो प्लीज़ फ़ोन करिए, क्योंकि इस कारण से भी काफ़ी लोगों की डेथ होती है। तो ध्यान रखिएगा। नमस्ते, मैं सौरभ कदम, न्यूरोथेरेपिस्ट। मेरे जीजाजी रत्नागिरी में रहते हैं, उनको 4-5 दिनों से फीवर आ रहा था, तो उन्होंने 25 सितंबर को ब्लड की रिपोर्ट निकाले। तो उस रिपोर्ट में उनका डेंगू डिटेक्ट हुआ उनको। तो उसके बाद फिर डॉक्टर से उन्होंने चर्चा की, तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो 25 सितंबर को हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। फिर 26 सितंबर को उनके रिपोर्ट निकाले, तो उनके प्लेटलेट थे वो 1,50,000 हो गए। 26 तारीख को फिर से रिपोर्ट निकाले, तो उनके प्लेटलेट थे 73,000 आ गए थे। उसके बाद 27 तारीख को जो रिपोर्ट निकाले उसमें उनके प्लेटलेट्स 31,000 आ गए। तो उन्हें को घबरा गए उस टाइम पे, तो उन्होंने घबरा के मेरे को फोन किया कि न्यूरोथेरेपी से ऐसे हो सकता है क्या, मेरे प्लेटलेट्स लो आ गए हैं। तो फिर मैंने कमलेश दीदी से मैं बोला कि मैं हमारे मैडम से चर्चा करता हूँ। उसके बाद मैंने कमलेश मैडम को फोन किया और सब हिस्ट्री बताई। उसके बाद कमलेश मैडम मेरे को बोले कि हाँ, न्यूरोथेरेपी से इनको ठीक किया जा सकता है। तो कमलेश मैडम ने मेरे को एक ट्रीटमेंट बताई, तो 6 एडिया एड्रेनल ग्लैंड के लिए। तो उसके बाद मैंने वो एक वीडियो करके उनको भेजा। तो मेरी बहन ने 28 तारीख आ गई थी, तो 28 तारीख को सुबह उनके प्लेटलेट और कम आ गए, 25,000 तक आ गए थे। तो 28 तारीख को सुबह उनको ट्रीटमेंट दिया गया। तो शाम को जो रिपोर्ट आए तो उनके प्लेटलेट 29,000 आ गए। फिर अगले दिन 29 तारीख को जब सुबह उनको फिर से ट्रीटमेंट दिया गया, तो शाम तक उनके रिपोर्ट आए तो उसमें उनके प्लेटलेट 73,000 आ गए थे। फिर 30 तारीख को उनके जो रिपोर्ट आए उसमें उनके प्लेटलेट्स 1,07,000 आ गए थे। फिर उसी दिन डॉक्टर ने फिर उनको डिस्चार्ज दे दिया। फिर वो घर पे आए, उसके बाद और 3-4 दिन उनको थोड़ी ट्रीटमेंट चलती रही। तो 5 अक्टूबर को उनके फिर से रिपोर्ट निकाले, तो उसमें उनके प्लेटलेट 2,70,000 आ गए थे, जो कि हेल्दी थे। तो ऐसे न्यूरोथेरेपी से चीजें ठीक हो रही है, मेरे जीजाजी इससे ठीक हो गए और अभी भी वो हेल्दी है। थैंक यू न्यूरोथेरेपी।